हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि जो एसएससी का जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही अलग होता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जो एसएससी का लाइफ है ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन और आपके इन्वायरमेंट पे। इस तरह मैं आज आपको अपना लाइफ स्टाइल दिखाऊँगा और हम लोग चलते हैं अपने मेरे रूम की तरफ। और मेरा रूम आगे है और मैं बताऊँगा कि क्या होता है एसएससी का लाइफ और जो एस्पिरेंट होता है उसका लाइफ कैसा होता है। जैसे कि दोस्तों, ये मेरा रूम है और मैं इस पर गेट खोल रहा हूँ। ज़्यादा हम लोग जो कहते हैं ऐसा मिथ बना हुआ है कि एसएससी एस्पिरेंट का बहुत अच्छा लाइफ होता है, दोस्तों ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कहीं भी आप जाइएगा तो आपको स्ट्रगल करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना भी चाहिए। क्योंकि स्टडी के लिए आए हैं आप तो ये ज़रूरी है। देखिए, ये बाइक मेरी में ही नहीं है ये मत सोचिएगा। और ये भी एक छोटा सा दरवाज़ा है, इधर भी एक छोटा सा दरवाज़ा है जो हमारा रूम ओनर का है। बस यही एक ये है गैरेज टाइप का है जो अंदर घुसने का रास्ता है। और चलिए हम आपको अपना रूम दिखाते हैं आगे की ओर। ये छोटा सा गेट है, इसमें एंट्री गेट है और गेट ही बहुत है यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा लगता है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे भी एक गेट है, इसको खुला ही था शायद। भैया लगता आ गए लाइब्रेरी से, वो भैया जाते थे वो पढ़ने तो कभी कभी जाते हैं, आज नहीं गए शायद लग रहा है, इसलिए घर पर ही है। और यहाँ पर दोस्तों ये रूम ओनर का घर है और ये जो बगल में है ये भी उन्हीं का है। मतलब ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये सारा हिस्सा रूम ओनर का ही है। हम लोग को सिर्फ यहाँ पर जो मोटर है वो ये यूज करने मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर मोटर है और यहाँ पर ये मोटर का स्विच है, इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं और अलाव है भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा मत सोचिएगा कि कर दे रहे हैं तो कुछ होगा नहीं, अलाव है सब चीज़। भैया बहुत अच्छे हैं हमारे जो रूम ओनर है और बहुत ज़्यादा कैजुअली अच्छे से बात करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। पानी वानी है तो पानी का दिक्कत होता नहीं है, जब लाइन रहता है तो समझते ही हैं कि कोई भी हो चालू करता है मोटर है। और ये चापाकल है दोस्तों, चापाकल का यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन जानते हैं कि जब मोटर है तो कोई भी आदमी आलस के मारे नहीं है यूज़ करेगा। अब इसे बंद कर देते हैं, कहीं आवाज़ से कहीं समझ रहे हैं कोई कंप्लेन वम्प्लेन ना कर दे कहीं। बस यही है दोस्तों, ये नीचे वाला रूम है और ये नीचे वाला रूम देखा जाए तो एक कैजुअली बहुत ही ठीक ही है, क्योंकि अपना हिसाब से बनाया है। और यहाँ पे किसी को रूम नहीं मिलता नीचे में, क्योंकि भैया मना किए हुए हैं, नहीं अपना लिए रहते हैं। और कभी कभी आते हैं महीना में एक दो बार, जैसे अभी जस्ट आए थे दीपावली के लिए और कुछ काम वम किए और फिर चले गए। और दोस्तों अब मैं आगे की ओर दिखाता हूँ कि मेरा कमरा किस तरफ है और मैं किस तरह से तैयारी करता हूँ। चलिए दोस्तों चलता हूँ आगे। जैसे कि दोस्तों ये सीढ़ियाँ हैं, ये छोटी सी सीढ़ियाँ, ज़्यादा बड़ी सीढ़ियाँ नहीं हैं। और मैं इसके आता हूँ, आगे चलता हूँ और आपको रूम दिखाता हूँ। ये ज़्यादा बड़ी सीढ़ियाँ नहीं है, हम लोग समझिए फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं और ठीक है, जैसे है तैसे है। जैसे सब लोग कहते हैं दोस्तों कि एसएससी एस्पिरेंट का लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और वो बहुत मेहनत करते हैं, तो मतलब दिखाना चाहूँगा कि मैं किस तरह से मेरे लाइफ स्टाइल जीता हूँ। ये मेरे भैया का रूम है, और इधर भी रूम ही है। देखिए दोस्तों, ये भी मेरा दोस्त का रूम है जो गया है रांची, कुछ काम है उसको अपने रिलेटिव्स के यहाँ। ये भी दोस्त है, तो दीपावली चल रहा था, सभी लोग यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे रहता नहीं ज़्यादातर दोस्तों। और ये है, ये भी किचन है मेरा, यहाँ पर हम लोग ऊपर में दो किचन दिया हुआ है। ये मेरे फ्रेंड का किचन है, वो बर्तन वर्तन रख दिया, लग रहा कहीं कंप्यूटर क्लास गया है। और ये फ्रेंड का है मेरा, और ये मेरा फ्रेंड जो है, हम लोग को दो बाथरूम दिया हुआ है और एक लैट्रिन दिया हुआ है। ये भी ये बाथरूम है, इसी के अंदर अटैच्ड है हम लोग का, और दोनों को हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोग का है और ये मेरा फ्रेंड का है ये वाला। और इस रूम में भैया है जो अंदर में शायद तैयारी कर रहे हैं। और हम आइए हम अपना दिखाते हैं थोड़ा किचन को, क्योंकि किचन कुछ कुछ लोगों को ही मिला है, ज़्यादा लोगों को सेपरेटेड रूम मिला है। तो ये मेरा किचन है, देख सकते हैं दोस्तों जो किचन है। ये बर्तन पे मत ध्यान दीजिएगा, बर्तन मेरा ही है, वो खाना भी बनाए तो रखे हुए हैं, इसे ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि हर एक बैचलर लाइफ में सामान इधर उधर ही रहता है, हम लोग अरेंज करने का समय ही नहीं रहता है। और ये बोरा वोरा कुछ ऊपर में सामान रखा हुआ दोस्तों। और ये थोड़ा सा व्यू है दोस्तों जो बाहर का आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू लगता है मुझे भी जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में देखता हूँ, थोड़ा बिल्डिंग वल्डिंग जैसा है। और यहाँ पर हम लोग सासाराम का पटरी का नज़दीक में ही रहते हैं, ये एक पटरी है, इसमें कैप्टन रात में या कभी कभी रुक भी जाती है, क्योंकि जब उसको लाइन नहीं मिलता है तो यहाँ पर रुक जाती है दोस्तों। और यहाँ कुछ घर और है, यहाँ पर ये है, और ये सामने वाला जो घर है वहाँ से कभी कभी दूध में हम लोग लेके आ जाते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे बीच में आपको वाइट रंग का घोड़ा भी दिख रहा होगा, तो वो लोग शायद शौकीन हो गए या अपना हिसाब से पालते होंगे।
तो ये है, वही बात है दोस्तों। और इधर थोड़ा फाटक दूर तक गया और इधर सीधा तो देख रहे दोस्तों, उधर अगर आप जाइएगा तो स्टेशन आपको आरा जंक्शन मिलेगा। और दोस्तों मैं सॉरी, मैं आपको बता नहीं पाया, मैं रहता हूँ ये आरा में रहता हूँ, और आरा के जगदेव नगर 10 नंबर गली में रहता हूँ, और एक रूम पे रहता हूँ। और मेरे साथ कुछ दो लड़के भी रहते हैं जो अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, मतलब दीपावली में गए हुए हैं, छठ वठ मना के शायद आएंगे। तो मैं भी अब जाने ही वाला था। और जैसे दोस्तों ये मेरा रूम का गेट है, मेरा खुला हुआ है, शायद मेरा जो फ्रेंड था वो भी रहता था तो स्टडी के लाया होगा, देख सकते हो दोस्तों। अब ये थोड़ा देर बाद का है, जब हम सुबह उठे थे तो यहाँ पर योगा करते हैं, ये चटाई बिछा लेते हैं, कब जब लेट हो जाता है तो ऊपर में योगा कर लेते हैं, और जब शाम होता है तो मतलब जब सुबह रहता है तो हम लोग ऊपर में ही छत पे ही कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पीटी कर लेते हैं, बस वो भी कर लेते हैं। और दोस्तों यही मेरा छोटा सा रूम है, और देखिए ये जो कपड़े टांगे हुए हैं हमारे फ्रेंड के, ये कुछ सामान वामान है, और ये इधर मेरा कपड़ा है, इधर कुछ स्टडी टेबल है, सामान वामान थोड़ा बिखरा है दोस्तों, उसके लिए हम थोड़ा शर्मिंदा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको आज पूरा अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बता दूंगा। और ये देखिए जूते वूते कुछ रखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर भी ये कुछ तूफान, यानी ये यही तूफान है ऊपर में जो है वो ये तूफान है, इस मत सोचिएगा। कुछ चना वना यहाँ पर रखा हुआ दोस्तों, और यहाँ पर कुछ कपड़े वपड़े हैं, ये मेरी ट्रॉली है, और मैं भी जाने वाला हूँ, जिस तरह पर शिफ्ट उफ्ट करने के लिए सारा सामान को रख लिया हूँ दोस्तों। और यहाँ से भी वही नज़ारा है दोस्तों जो हम आपको बताए थे। मेन बात है कि जो है ना ये सजना का पेड़ यहाँ पे आ जाता है फाटक के नज़दीक में। राधे राधे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि अपना अनुभव से कि SSC का तैयारी करने के लिए आपको जगह डिपेंड नहीं करता, आप कोई भी जगह में कर सकते हैं। और ये मेरा ब्लॉग का पहला वीडियो था दोस्तों, और मैंने बहुत से कोशिश की है कि मैं अपना लाइफ स्टाइल को दिखा पाऊँ, जिससे कभी किसी का भला हो जाए, किसी को लाइफ बेहतर हो जाए। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन मेरे वीडियो को कमेंट करिए, जिसके कारण मैं उस पर वर्क करके अपनी गलतियों को ठीक कर पाऊँ। अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप हमेशा खुश रहें और अपनी ड्रीम को पाए, इसके लिए धन्यवाद। राधे राधे।